नागौर जिले के मारोट कस्बे में 2020 सरपंच चुनाव को लेकर मारोट पंचायत में सामान्य महिला की सीट आने के साथ ही चेहरे मैदान में सामने आने लगे हैं। सभी सरपंच पद उम्मीदवार प्रत्याशियों ने अपने देवी देवताओं के मत्था टेक कर चुनाव प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं। सरपंच चुनाव में उतरने का क्या मकसद है? मेरा सरपंच चुनाव में उतरने का मकसद ये है कि मैं गाँव में ऐसा कुछ कर जाऊँ ताकि गाँव की जनता मुझे याद रखे और मैं ऐसे काम करूं जिससे किसी को किसी गांव को किसी की भी ना मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े, सबके काम में आऊं गांव की जनता के लिए। मैं चाहती हूं कि है ना सभी गांव सारे गांव के अंदर रोड लाइट वगैरह उपलब्ध हो और है ना शमशान घाट का उद्धार हो और है ना इस गांव में इतने पेड़ पौधे लगाए जाएँ ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो और ऐसे है ना रोडों की इतनी सफाई होनी चाहिए ताकि है ना हमारे गांव की जनता को किसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। और मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में ऐसा शिक्षित होना चाहिए और ऐसी शिक्षित मैं है ना सभी को जागरूकता प्रदान करूँगी मेरी तरफ से। और मैं चुनाव में 33 मुद्दे साथ लेके उतरी हूँ।